तो चलिए इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छा चीज बताने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कार्बन कितने प्रकार के होते हैं और हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं, यही जानना है। हालांकि सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि भाई कार्बन का प्रकार और हाइड्रोजन का प्रकार, देखिए क्या होगा। तो हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। चलिए टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम के बारे में सीखना है, तो देखिएगा यहाँ पर हम कैसे समझाने की कोशिश करा रहे हैं। चलिए ये कार्बन क्या होगा, जैसे टाइप्स ऑफ कार्बन एटम है ना, तो कार्बन चार प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहला है 1 डिग्री कार्बन, दूसरा है 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद 3 डिग्री कार्बन, उसके बाद 4 डिग्री कार्बन। कार्बन चार प्रकार का होता है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। अब आइए हाइड्रोजन में प्रकार सीखिए, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। देखिए कैसे डिसाइड होगा कि नहीं होता है। चलिए इस कार्बन के बारे में बताइए कैसे डिग्री पहचानेंगे, तो बताइए ये जो कार्बन है डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है, मात्र 1 कार्बन से कनेक्ट है। ये वाला कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इस कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ये जो कार्बन है डायरेक्ट 1 कार्बन से जुटा है, 1 कार्बन से कनेक्ट हुआ है, इसलिए इस कार्बन को हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल, चलिए इसमें और समझना है। चलिए ये जो कार्बन है डायरेक्ट 1 कार्बन से जुटा है, 2 कार्बन नहीं बोलना है। ये जो कार्बन है ये डायरेक्ट इधर, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुटा है, तो मात्र 1 कार्बन से जुटा है, ये नहीं कि 2 को से जुटा, नहीं, डायरेक्ट मतलब इसके जस्ट आगे, ऐसे ऐसे करके देखिए, मतलब इसके जस्ट आगे 1 ही कार्बन से जुटा है ना। तो हम क्या कहेंगे, इस कार्बन को बोलेंगे, ये जो मेरा कार्बन है कई डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। चलिए इस कार्बन के बारे में देखेंगे, ये जो कार्बन है डायरेक्ट कितने से जुटा है, ये कार्बन एक सामने भी अपने जुटा है कार्बन से और एक पीछे भी जुटा है, यानी ये वाला कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्ट जुटा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है कि नहीं है। तो ये वाला कार्बन को हम कई डिग्री कार्बन कहेंगे और ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा, यानी जो जितना से जुटेगा डायरेक्ट उतने ही डिग्री उसका नेम हो जाएगा। अब देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुटा है, डायरेक्ट 1 कार्बन से जुटा है, इसलिए इस कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ देखिए ये जो कार्बन है डायरेक्ट कितने कार्बन से जुटा है, देखिएगा डायरेक्ट किसी से जुटा है और किसी से नहीं जुटा है, तो इस कार्बन को हम कौन डिग्री कार्बन कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब आइए इस कार्बन के बारे में, ये जो कार्बन है ये वाला, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुटा है, तो एक तो अपने इधर से जुटा है डायरेक्ट, और एक इधर पीछे से 1 कार्बन से जुटा है, और एक नीचे इस कार्बन से जुटा है, यानी ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुटा है, कितने कार्बन से, 3 कार्बन से जुटा है, इसलिए इसको हम कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। अब ये जो कार्बन है डायरेक्ट 1 कार्बन से, कार्बन को हम कौन डिग्री कार्बन कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन। अब आइए इस वाले कार्बन पे ध्यान देना है, ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन है इधर भी एक जुटा है, 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 यानी ये वाला कार्बन 4 कार्बन से जुटा है, इसलिए हम इस कार्बन को कौन डिग्री कार्बन कहेंगे, 4 डिग्री कार्बन। अब सुनिए ये कार्बन डायरेक्ट 1 से जुटा है, 1 कार्बन से, इसको 1 डिग्री कार्बन, यह भी मेरा 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, यह भी 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है डायरेक्ट 1 ही कार्बन से जुटा है, इसलिए यह कार्बन 1 डिग्री कहलाएगा। चलिए एक क्वेश्चन माइंड में आता होगा कि ये तो कार्बन किसी से नहीं जुटा है, तो कौन डिग्री होगा, भाई इसको आराम से समझ जाना है, ये 1 डिग्री कार्बन है, किसी से नहीं भी जुट रहा है फिर भी 1 डिग्री कार्बन कहा जाएगा, ठीक है ना। और जुटता है तो हम समझ ही लिए हैं। अब चलिए कार्बन का तो डिग्री पहचान लिए, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन और यहाँ पर 2 डिग्री समझ लिए, 3 डिग्री भी पहचान गए और 4 डिग्री भी आ गया कार्बन। अब आइए हाइड्रोजन को समझना है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए ये जो कार्बन है फिर से इसको ऐसे करते हैं, देखिए अब कैसे जानेंगे, यहाँ पर ये जो कार्बन है एक बॉन्ड बनाया है, अभी ये 3 बॉन्ड और बनाएगा, तो तीनों के तीनों इसमें क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। चलिए हाइड्रोजन को भर दिए। अब ये जो कार्बन है 2 बॉन्ड बनाया है, अभी 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो इसमें भी हाइड्रोजन को क्या करेंगे, पुट कर देंगे।
ये जो कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, थ्री बॉन्ड बाकी है, तो तीनों के तीनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन को पुट अप कर देना है, ठीक है ना। ठीक, यहाँ भी आप बना सकते हैं, इसमें भी आप हाइड्रोजन को पुट अप कर सकते हैं। समझने का कोशिश करिए हाइड्रोजन का। चलिए सबसे पहले जानेंगे ये जो कार्बन है डायरेक्ट कितने कार्बन से जुटा है, ये वाला कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुटा है, इसलिए इस कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। कई डिग्री कार्बन, इसको हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब चलिए, जैसे कहा जाता है कि अगर साधु के साथ, साधु का जो फ्रेंड होगा वो साधु ही होगा, लगभग चांस है कि नहीं है, यानी जो जिसके साथ रहता है वही कैटेगरी में ढल जाता है। बात समझ में आया कि नहीं यार। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं तो अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं, यानी कैटेगरी एजुकेशन में अभी आया कि नहीं आया। ठीक, उसी तरह ये 1 डिग्री कार्बन है तो इस पर जो हाइड्रोजन होगा वही डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है तो इस पर हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, ये भी हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन ही कहा जाएगा। अब ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला कार्बन के बारे में ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन है कई डिग्री कार्बन है, पहले पता लगे ये कार्बन के बारे में। ये कार्बन डायरेक्ट इधर जुटा है और डायरेक्ट इधर जुटा है, यानी ये जो कार्बन है डायरेक्ट दो कार्बन से जुटा है, इसलिए इस कार्बन को हम 2 डिग्री कार्बन कहेंगे, ठीक है ना। अब आइए, इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है अब 2 डिग्री हाइड्रोजन कहा जाएगा, ठीक है ना। मतलब जितना डिग्री वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उतना ही डिग्री बोल देंगे, यानी ये 2 डिग्री कार्बन है इसलिए ये 2 डिग्री हाइड्रोजन हुआ, ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन हुआ, ठीक है ना। सबका डिग्री अलग अलग होगा, सबको कंबाइन कर कर आंसर नहीं देना है, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, ये कोई डिग्री कार्बन है 1 डिग्री, इसलिए हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आइए यहाँ पर, ये वाला जो कार्बन है डायरेक्ट कितने कार्बन से जुटा है, 1, 2, 3, 4, इसलिए इस कार्बन को हम 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब सुनिए, क्या इस पर हाइड्रोजन आ सकता है ये वाला कार्बन पे। हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है तो हाइड्रोजन नहीं आ सकता, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं पॉसिबल है, नहीं पाया जाता है। अब आइए यहाँ पर, ये जो कार्बन है 3 बॉन्ड बनाया है, एक और बॉन्ड बनाएगा तो चलिए हाइड्रोजन को ला दिए। अब सुनिए, ये जो कार्बन है कई डिग्री कार्बन है, तो आइए पता लगाते हैं डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है। ये जो कार्बन है डायरेक्ट एक और एक दो और एक नीचे 3, यानी ये जो कार्बन है ये डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है, 3 कार्बन से, इसलिए इस कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। कई डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन ये कहलाएगा। अब सुनिए, इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। और चलिए, आप लोग हम क्लास वर्क दे रहे हैं, हाइड्रोजन डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ कार्बन आप लोग क्या पढ़ना है, लिख कर अपने कॉपी में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिख दिए हुए हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम 4 प्रकार का होता है, 1 डिग्री कार्बन और इसी का दूसरा नाम है प्राइमरी कार्बन, फिर उसके बाद 2 डिग्री कार्बन, इसी का दूसरा नाम है सेकेंडरी कार्बन, उसके बाद 3 डिग्री कार्बन, इसी का दूसरा नाम है टर्शियरी कार्बन, और इसी का चौथा है 4 डिग्री कार्बन, और इसी का एक दूसरा नाम है क्वार्टरनरी कार्बन, ठीक है ना। आइए यहाँ पर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम 3 प्रकार के होते हैं। आपको मालूम है कि 4 क्यों नहीं होता है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन तो आ ही नहीं सकता, जब हाइड्रोजन आ ही नहीं सकता तो फिर उसका डिग्री कैसे होगा, इसलिए 3 तक ही पॉसिबल है। देखिए, प्राइमरी हाइड्रोजन यानी इसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे, उसके बाद आता है सेकेंडरी हाइड्रोजन जो 2 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाएगा, उसके बाद है टर्शियरी हाइड्रोजन जो 3 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाएगा। चलिए, और क्लास वर्क दे रहे हैं आपको, कार्बन ऑफ हाइड्रोजन एटम और कार्बन ये डिग्री ऑफ कार्बन एटम और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम को लिखना है, पहचानना है अपने कॉपी में। देखिए यहाँ पर दे रहा है, चलिए इसमें टोटल क्या करना है आपको, डिग्री पहचानना है हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का। चलिए, वीडियो यही होता है।